वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो कुछ सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। आना है इसमें, कोई आना चाहता तो आ जाओ फटाफट, ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ओके ये तो हो गई काम की बात। ओके तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दो कैरेक्टर के बारे में, जो हाल ही में कुछ व्यूवर्स ने कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछे हैं। तो उनको बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि दोनों को लेना कैसे, तो बात करते हैं। बहुत से प्लेयर्स को ये मालूम है, तो उनको मालूम है तो इसमें कोई टांग बीच में मत डालना, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। और जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ ध्यान से देख ले। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फोनिक्स की। फोनिक्स मिलेंगी कहाँ? बहुत सिंपल तरीका है फोनिक्स मिलेगी कहाँ, तो आपको सबसे पहले ले चलता हूँ मैं एक्समैन के क्वास्ट में, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा। एक मिनट, सबसे पहले क्वास्ट कहाँ? यहाँ पर हीरोइक क्वास्ट, एपिक कास्ट। एपिक कास्ट में जाना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डॉक्टर स्ट्रेंज, वोल्वरिन और डेडपूल। बीच वाला है वोल्वरिन का, एक्समैन का, तो इसमें हम लोग जाएंगे एक्समैन का। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुराने अपडेट में यहाँ पर शो आइटम नहीं था, मतलब शो नहीं करता था, लेकिन कुछ हाल ही में हुए हुए इम्प्रूवमेंट से यहाँ पर हमें शो होती है जिंग रे, जो कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो है। नीचे देखे गए कैरेक्टर को टायर टू करना है, टायर टू सभी कैरेक्टर होने के बाद। एग्जाम्पल कौन कौन से बता देता हूँ, नहीं समझता होगा तो मैं बता देता हूँ। जेंग रे टायर टू चाहिए, सॉरी जेंग रे नहीं, रॉक टायर टू चाहिए, उसके बाद में साइक्लॉप टायर टू चाहिए, वुल्वरिन टायर टू चाहिए, मैग्नेटो टायर टू चाहिए, और स्टॉर्म वो भी टायर टू चाहिए, तभी जाकर आपको जेंग रे मिलेगी, वो भी टायर टू के साथ लेकिन लेवल वन की। उसके बाद में आपको उसके अंदर धीरे 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 अपग्रेड करता रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जैसे एग्जांपल थानोस को करते हैं, ब्लैक डार्क आर्मी का करते हैं, उसके बाद में और बहुत सी चीज़ें जो ऐसी सेम मिलती है हमको, तो उसको धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये फोनिक्स को लेने का तरीका है। सेम यही तरीका डेडपूल के एपिक कास्ट में आपको स्ट्राइफ में भी देखने को मिलेगी। स्ट्राइफ का भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पर देखो, मुझे कुछ स्ट्राइफ से लेना देना नहीं है और ना ही मैं स्ट्राइफ को लेने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने किसी भी कैरेक्टर को टायर टू नहीं किया, सिवाय डेडपूल को छोड़ के। डेडपूल तो ऑलरेडी टायर टू था ही, सॉरी भूल गया। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर डोमिनो, उसके बाद में ये फिजलॉक, केबल, इसका नाम है, इसका मैं भूल गया, फैंटोमैक्स, उसके बाद में ये क्या नाम है इसका, कोलेसस। ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर टायर टू होना ज़रूरी है, तभी जाके स्ट्राइफ मिलेगा। कोलेसस का बायोमेट्रिक्स है डेली 20 पैक, जो नॉर्मल प्लेयर के लिए लगभग नामुमकिन है। उसके बाद में अगर वो प्राइस कम कर दे तो हो सकता है नॉर्मल प्लेयर भी बाय करना शुरू कर दे। उसके बाद में यहाँ पर फैंटोमैक्स, उसके बाद में केबल, केबल का शो नहीं कर रहा,
उसके बाद में यहाँ पर फिजलॉक, जिसका ड्यूलक्स पैक में बाय करने के बाद उसका मिलेगा, तो ड्यूलक्स पैक आपको बाय करना पड़ेगा 6600 क्रिस्टल का, वो थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और सेम ऐसा ही मैग्नेटो का भी है, यहाँ पर देख लो इसका डेडपूल के मिशन में इसका बायोमेट्रिक्स दिया हुआ है दोनों के, फैंटम एक्स से और इसके क्या नाम है इसका भूल गया मैं फिर से सॉरी क्या नाम है क्या नाम है एक मिनट डोमिनो, डोमिनो नाम है। यहाँ पर देख लो एक मिनट, ये पीछे क्यों चला गया यार तू, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये मैग्नेटो का ड्यूलक्स पैक है, जिसको मैंने काफ़ी पहले 6600 क्रिस्टल में ओपन कर लिया था। अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डेडपूल का, डेडपूल के इसमें भी सेम फिजलॉक का पैक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं टच करूँगा तो यहाँ पर मुझे बोलेगा हाँ 6600 क्रिस्टल स्पेंट करने के बाद ये पैक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर जो रिवार्ड है वो मुझे मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल डेडपूल का ये सब मैंने कर लिया कंप्लीट, तो यहाँ पे जो रिवार्ड दिख रहे हैं जैसे यहाँ पर 20 बायोमेट्रिक्स है, 150 क्रिस्टल है, उसके बाद गोल्ड है, क्रिस्टल है, गोल्ड है, क्रिस्टल है, बायोमेट्रिक्स है, ये सारा का सारा आइटम जो है 6600 क्रिस्टल स्पेंड करने के बाद मेरे को सबका सब मिल जाएगा। लेकिन मिलना इतना आसान नहीं है, ये जो कॉस्ट है डेडपूल का जो कॉस्ट है वो कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, या फिर जहाँ तक आपका कॉस्ट कंप्लीट हुआ है समझो 50% 60%, तो वहाँ तक का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसके आगे का रिवॉर्ड आपको कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। तो सेम मैग्नेटो का भी ऐसा ही है, मैग्नेटो का भी मैंने बाय किया, उसके बाद में कहाँ जाके मेरे को केबल मिला, केबल नहीं सॉरी फिनिक्स जो भी है जेंग्रे बोल देता हूँ सीधा सीधा। तो अगर आपको स्ट्राइफ चाहिए तो ये कैरेक्टर को टायर टू करना ही होगा, ये जो नीचे दिखा रहे हैं ये कैरेक्टर को, ओके समझ में आ गया। अब आइंदा अगर कोई पूछेगा तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देना, उसको लिंक दे देना, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिंक दे देना, ओके। तो हाउ टू गेट जेंग्रे एंड स्ट्राइफ वीडियो हो गया कम्प्लीट, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।